दोस्तों, रोज एक पौधा में आज क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम आप देख रहे हैं। क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम, इसका सफ़ेद मुसली का नाम से कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम का प्लांट है। इसका फूल बहुत खूबसूरत लगता है। इसी में एक क्लोरोपाइटम बोरीविलियम का नाम से भी कहते हैं, उसी को भी सफ़ेद मुसली के नाम से कहते हैं। उसका फूल थोड़ा छोटा छोटा रहता है, इसका ट्यूबरोसम का फूल थोड़ा सा बड़ा रहता है। क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोपाइटम बोरीविलियम, क्लोरोपाइटम कामोसम, ऐसे तीनों का सफ़ेद मुसली का नाम से कहते हैं। ज़्यादातर से एस्पराकस, बैम्बक्स, दूसरा आर्किड्स को भी सफ़ेद मुसली का नाम से कहते हैं। ये क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोपाइटम बोरीविलियम दोनों का मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसका दवाई के तौर पर या ज़्यादा तरफ से यूज़ करते हैं। इसका रूट में ट्यूबरस रूट्स होता है, इसका कारण इसका सफ़ेद मुसली कहते हैं। इसका रूट देखने में मूली जैसे लगता है, मूली जैसे सफ़ेद रहता है, थोड़ा मूली जैसे थोड़ा पतला भी रहता है इसका रूट। वो रूट ज़्यादा तरफ से मेडिकल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम का फूल्स फ्लावर्स को बुके में यूज़ करते हैं, अदरवाइज एंड फ्लावर डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं, ये क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम का रूट से थोड़ा मूली जैसे थोड़ा पतला पतला लंबा रहता है। ये ज़्यादा तरफ से मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। इसी रूट्स को छाव में सुखा के उसका पाउडर बना के मार्केट में मिल जाता है। ये सफ़ेद मुसली के नाम से इसका पाउडर मार्केट में मिलता है। ये पौधा ज़्यादा तरफ से इंडिया में ज़्यादा तरफ से सब जगह मिल जाता है। ज़्यादा तरफ से इसका खेती भी हो रहा है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में इसका खेती हो रहा है। इसका रूट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं। ये जनरली ये पौधा फॉरेस्ट में ज़्यादा तरफ से देख सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट में स्लोपी एरिया में, राकी एरिया में इसका ज़्यादा तरफ से देख सकते हैं। ये लगभग 2 फीट तक लंबा आ सकता है, इसका आसान से पहचान सकते हैं। इसी में एक वैरायटी है, सफ़ेद मुसली का एक वैरायटी है, क्लोरोपाइटम कामोसम। ये स्पाइडर प्लांट के नाम से कहते हैं, ज़्यादातर से शो प्लांट के तौर पे घर पे लगाते हैं। ये क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोपाइटम बोरीविलियम, ये दोनों प्लांट्स जल्दी स्प्रेड नहीं होता है। इसका बीज देखेंगे ना, थोड़ा सा छोटा सा आनियन का बीज जैसे लगता है, काला कलर में रहता है, उसी स्पीज जल्दी स्प्रेड नहीं होता है। कई शो प्लांट के तौर पे सब जगह ये मिल नहीं पाता है। दोस्तों, ये सफ़ेद मुसली का रूट का पाउडर सब जगह मार्केट में मिल जाता है। ये सफ़ेद मुसली इसमें बहुत सारा मेडिकल प्रॉपर्टी से ये जेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। जेंट्स लेडीज़ दोनों का सेक्सुअल इंटरेस्ट इसका पाउडर का खाने से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जेंट्स के लिए इरेक्टाइल प्रॉब्लम सही हो जाता है। इसके अलावा स्पैम काउंट से इसका खाने से स्पैम काउंट बढ़ जाता है। सफ़ेद मुसली को इंडियन वायग्रा भी कहते हैं। जेंट्स लोग इसका खाने से उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसके कारण पेनिस का इरेक्शन ज़्यादा होता है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके कारण इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है। इसके कारण ज़्यादा तरफ से इंडिया में सफ़ेद मुसली पाउडर एक वायग्रा जैसे काम करती है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है। इसके अलावा लेडीज़ जेंट्स दोनों का सेक्सुअल इंटरेस्ट इसका खाने से बढ़ता है। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, इसका पाउडर का खाने से
सही डोसेज लेना पड़ता है। इसी का लेने से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, हार्ट मजबूत होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा यंग मदर्स को दूध सेक्रीशन इसका खाने से अच्छा होता है। बहुत लोग दुबला पतला रहते हैं, उन लोगों का शरीर का वजन बढ़ाने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से स्किन अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा इसका सेवन करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। घुटने के दर्द के लिए इसका सेवन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, सफ़ेद मूसली, क्लोरोपाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोपाइटम बोरीविलियम, ये दोनों में कोई भी चीज़ का सेवन करने से शरीर में मूत दोष रहता है, उसमें वात पित्त दोनों का कम करने में ये सफ़ेद मूसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। कब इसका सेवन करने से बढ़ जाता है। क्लोरोपाइटम डिब्रोसम सफ़ेद मूसली का पौधा एक अप्रोडिसियो गैलेक्टोहोग न्यूट्रिटिव एंड एंटी एक्सीडेंट्स में ज़्यादा है।